हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। और आज से मैं आपको जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स दे दूँगा। मैंने इस तरह से कंटेंट को डिज़ाइन किया है, जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे वर्ल्ड इंडेक्सेज एंड रिपोर्ट्स, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंडेक्सेज कौन से हैं, रिपोर्ट्स कौन सी हैं, होते हैं ना सूचकांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उनकी रिपोर्ट आपसे पूछ लेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट निकालता है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस साल जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके इंडेक्सेस हैं और रिपोर्ट्स हैं उनको मैं बताते रहूँ, एक एक करके आप देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले हमारा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसको निकालता कौन है, इसको निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, तो आप क्या आंसर करोगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। इंडिया की रैंक क्या है 2019 में, इसमें अभी 2020 का तो निकला नहीं है, तो मैं 2019 का डेटा ले रहा हूँ, और वैसे भी सीएचएसएल के एग्जाम में वही पूछेंगे। तो इंडिया की रैंक जो है 2019 में 129 है, और टॉप पोजीशन क्या किसको मिली है, नॉर्वे को मिली है, और बॉटम पोजीशन किसको मिली है, बुरुंडी को, बुरुंडी को। तो देखो आपको याद क्या करना है, मैंने उसी के हिसाब से सेट कर रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक कितनी है 2019 में 129, टॉप पोजीशन किसको मिली, नॉर्वे को मिली, बॉटम किसको मिली, बुरुंडी को मिली, ठीक है? तो बस देखिए इतना याद रखेंगे। अब इंडेक्सेस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है? ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है। इंडेक्सेस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको जितना जानना उतना बता रहा हूं बस। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, ठीक है? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जीटीसीआई, ये कौन निकालता है, बिजनेस स्कूल इनसेड, एक बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है ये, इनसेड वो निकालता है। इंडिया की रैंक कितनी है 72, और किस कंट्री ने टॉप किया था, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था। वीडियो को पॉज करके आप याद भी कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस वाली वीडियोस हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, और इंडिया की रैंक कितनी है 63rd है, और न्यूजीलैंड की इसमें टॉप पोजिशन है, ठीक है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वही होता है, किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, एक दो चीजों पर नहीं करता है। तो हालांकि मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाएगा कि पैरामीटर किस पर डिपेंड करते हैं, आपको बस इतना याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, ये रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंक कितनी है 63 है, और टॉप पोजिशन किसको मिली है, न्यूजीलैंड को। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन निकालता है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इंडिया की रैंक इसमें क्या है 68 है, ठीक है? नेक्स्ट, सब याद रखना, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड। देखो एक दो बार पढ़ते रहोगे, देखो एक चीज हमेशा रखना, जीएस का एक फंडा है, आपको एग्जाम में याद करके जाना, देखो एकदम सचन मतलब सत्य वचन होते हैं ना वो बोल रहा हूँ, एग्जाम में याद करके जाना और कुछ नहीं, बिलीव मी। चाहे तुम जितनी कहानी पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं होगा तुम टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए जो भी देखा करे याद कर लिया करो, ठीक है? तो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बार बार बोलोगे अपने आप मन में याद हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है? दो तीन चीजें फंडे हैं उनको सुन लो, बता रहा हूँ, ठीक है? वो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। इंडिया की रैंक क्या है 68 है। इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है 112, और आइसलैंड की इसमें फर्स्ट रैंक है, ठीक है? चलिए आप मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता कौन है, ठीक है? कौन निकालता है उसका आंसर मुझे कमेंट बताइएगा। और आइसलैंड जो है सबसे ज्यादा जेंडर न्यूट्रल कंट्री है, और यमन लीस्ट है। मतलब देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर जेंडर में इनइक्वालिटी कितनी है, जैसे औरतों को कितना जॉब मिलता है, औरतों का क्या सम्मान है, तो जेंडर में गैप कितना है, मेन को कितनी पावर मिली है और वुमेन को कितनी कम मिली है। तो इंडिया की रैंक 112 है, काफी खराब है, मतलब इंडिया में वुमेन को उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है? आइसलैंड टॉप कर रहा है, आइसलैंड में मतलब मेन और वुमेन बराबर है। यमन में वुमेन की स्थिति बहुत खराब है, यमन में वुमेन को उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, जो भी रीजन हो वो अलग चीज है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए ग्लोबल जेंडर ग्रैप रिपोर्ट निकालता कौन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ये एक्चुअली रिपोर्ट है, ये इंडेक्स नहीं है, इसलिए मैं ऐसी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो पिछली वाली थी ना, इसमें रैंक नहीं बताई मैंने आपको, ये पिछली वाली देखो यहाँ, सॉरी यहाँ पर इंडिया की रैंक बताई थी, यहाँ पर तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसमें इसको कौन निकालता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड निकालता है। तो आई होप आप लोग के लिए इतना सही होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। इंडिया की रैंक कितनी है, 129, टॉप पोजीशन नॉर्वे, बॉटम बुरुंडी। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स कौन निकालता है, बिजनेस स्कूल इनसेट। इंडिया की रैंक कितनी है, 72, टॉप कंट्री कौन से है, स्विट्जरलैंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालता है, इंडिया की रैंक कितनी है, 63, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, और इंडिया की रैंक कितनी है, 68। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है, 112, और आइसलैंड ने टॉप किया है, और यमन सबसे नीचे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड निकालता है, सॉरी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने आज आपको इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स के बारे में बताया, देखिए इंपॉर्टेंट वाले बताए हैं, फालतू वाले नहीं, जो एग्जाम आएंगे, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं जो जीएस कवर कर रहा हूँ वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसएससी के एग्जाम में देखिए मिलिट्री एक्साइजेस, इंडेक्सेस और स्पोर्ट्स जितना आता है उस हिसाब से मैं कवर करके आपको दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। और मैथ्स की वीडियोस में देता रहूंगा, जब मैं टैबलेट ले लूंगा तो मैं प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा।